वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, चैनल में आपका स्वागत है मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं मैथ्स का बहुत सारे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम्स में आएगा उसका वीडियो लाता हूँ और आपको बहुत मदद मिलेगा, ठीक है ना। और ये सब बिल्कुल फ्री है, अगर आप चाहो तो अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन डाला था, मतलब एक एरर वीडियो डाला था, तो उसका एक्सप्लेनेशन बच्चे मांग रहे हैं तो मैं डाल रहा हूँ। ऐसा कोई सा भी वीडियो जो मैंने डाला हो या फिर ना डाला हो, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में जाके, और मैं हर किसी का आंसर दूंगा। ये मेरा हार्ड वर्क है, ठीक है ना। चलो अब देखो, जैसे मान लो सबसे पहले तो आपको पता नहीं चाहिए बॉड मास होता है। बॉड मास के मतलब ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरफ ऑर्डर चलता है। यानी कि अगर आपके पास डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस आए तो सबसे पहले डिवाइड परफॉर्म करा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। अब अगर मैं इसमें जो उस तरीके से मैं करवा रहा था, मैं इसको 4 से 4 डिवाइड कर दे रहा था, है ना। तो अब होगा क्या समझो, 4 से 4 डिवाइड कर दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? एक्चुअल मेरा ये किस तरीके से है, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप कॉमन लेके काटना ही चाहते हो ना, तो आप ऐसा कर सकते हो, कैसा कि आप इसे देखो, ये क्या हो जाएगा, 2 2 4 देखते रहना, इसे डिवाइड करो 4। अब आप 4 कॉमन ले सकते हो और बचेगा ये भी 4 था, 1 प्लस 1 और नीचे बचा 4, तो आंसर क्या आएगा, 2। और जो कि मैंने यहां पे कहा था, पहले डिवाइड परफॉर्म करोगे, फिर मल्टीप्लाई परफॉर्म करोगे, और फिर जो नीचे है वो 8/4 यानी कि 2। अब आप में से कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने तो पहले डिवाइड ही परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि डिवाइड और डिवाइड। लेकिन बच्चा बस यही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो यानी कि पहले न्यूमरेटर में बॉड मास लगाया जाएगा और डिनोमिनेटर में जो भी होगा वहां पे भी बॉड मास लगाया जाएगा। न्यूमरेटर को सॉल्व करा जाएगा और डिनोमिनेटर से डिवाइड करा जाएगा। हाँ, एक स्टेप आगे चल सकते हो, वो थोड़ा प्रैक्टिस से है। कैसे? 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 बाई 4। अब मैं पूरे में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, इधर बचेगा 1, इधर बचा 4, ये कट गया 2। अब देखो 2 1 2 प्लस 4 बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 6 बाई 2, कितना आ गया, 3। तो आपने देखा, आप अगर गलत अप्रोच लगाओगे, अच्छा एक चीज गलत कर दिया आपने या मैंने, ठीक है ना। अगर आप गलत अप्रोच लगाओगे तो आपका हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हमेशा क्या करना है आपको, एरर से बचना है। और एरर से बचने के लिए क्या करना है, सिंपल बॉड मास लगाना है, ठीक है ना। और बॉड मास लगाते हुए याद रखना, जैसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें, इसमें अलग बॉड मास का लेवल और इसमें भी बॉड मास का लेवल अगर लग सकता है, जैसे इस वाले में तो नहीं लग पाएगा क्योंकि अकेले है, लेकिन पहले ऊपर वाले में बॉड मास का सिंप्लीफिकेशन कर दो और जो लास्ट में सिंगल आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना इससे। ये सबसे सही तरीका है, ठीक है क्लास।